हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद मिश्रा और करंट विद सिड के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत सारी न्यूज़ हैं कवर करने को, पर ड्यू टू सम रीजंस मुझे बाहर निकलना पड़ गया था, तो आज प्रॉपर जिस तरह से वीडियो बनता है उस तरह का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मैं। मुझे जो भी आर्टिकल्स मैंने कलेक्ट किए हैं, मुझे बस इतना ही टाइम मिल पाया मैं आर्टिकल्स कलेक्ट कर सकूँ, और अब बस उन्हीं आर्टिकल्स में से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और कल से आपको वापस रेगुलरली प्रॉपर पीवी जो वीडियो रहता है उसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा, अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहली न्यूज़ है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो है, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी से रिलेटेड दो ऐसी लोकेशंस को मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश जाती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैं उनके पास पहुंचती है, और वहाँ से अप्रूवल के बाद वो डिसाइड होता है कि वो एक्चुअल में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है या नहीं है, है ना। तो दो साइट्स कौन सी है वो एक बार को हम लोग देख लेते हैं। एक तो है संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस वडोदरा का, है ना। यहाँ पर ही पहली बार अम्बेडकर जी ने शपथ लिया था 1917 सितंबर में, इन्होंने पहली बार शपथ ली थी अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने का, है ना। और दूसरा जो है वो है महाराष्ट्र सतारा में उनका जो स्कूल था प्रताप राव भोसले हाई स्कूल, यहाँ पर भीमराव जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो यहाँ पर उनके सिग्नेचर भी मिलती है। तो इन दोनों जगहों को रेकमेंड किया गया है, बाकी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले उस पर चलते हैं। इससे पहले मैंने 2-3 दिन पहले कवर किया है मानगढ़ हिल लॉक भी जो है इसको भी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करने की सिफारिश की गई है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ था वो आप करंट अफेयर्स में देख सकते हो। बस इतना मैं बता सकता हूँ कि जो भील ट्राइब है उससे रिलेटेड रिवोल्ट हुआ था, ब्रिटिशर्स ने लगभग 1500 भील ट्राइब के लोगों को मारा था, तो उसी के रिगार्डिंग इस लोकेशन को जो है ये राजस्थान में है इसको जो है वो किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पॉलिटिकल लीडर थे, फिलोसोफर थे, राइटर, इकोनॉमिस्ट और स्कॉलर थे बहुत बड़े। 1891 में पैदा हुए थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने बहुत फाइट किया, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट पे फोकस करने की कोशिश किए थे ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे थे, तो उसमें फोकस इनका ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहे वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मॉल प्रैक्टिसेस हैं जो आज भी, इवन आज 75-76 ईयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, और उसके बावजूद हमारे यहाँ अभी भी विलेज लेवल पर इस तरह की बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। जैसे राजस्थान के कुछ गांव में आज भी होता है कि सती प्रथा फॉलो की जाती है ना। तो इस तरह की माल प्रैक्टिसेस वगैरह, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस, ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइडली फैली हुई हैं विलेज लेवल पे, स्पेशली विलेज या छोटे टाउन्स वगैरह हैं इनके लेवल पे। तो अम्बेडकर जी इस चीज़ से भली भांति रूबरू थे, तो उन्होंने वो चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्टली इम्पोज करे कोई चीज़ तो वो एक्चुअल में फैले, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट किया। ठीक है, बाकी इन्होंने बहिष्कृत हितकरणी सभा, एक क्या बोल सकते हैं, एक सभा एक ऑर्गेनाइज की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इन्होंने, जो कि जो भी अनटचेबल्स हैं उनको एजुकेशन और कल्चरल कल्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखो, सारी तीन राउंड टेबल्स जो थी, सॉरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी तीनों, उन तीनों को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अटेंड किया था, और हर बार इनका फोकस जो रहा है अनटचेबिलिटी को लेकर ही था। ठीक है, भारत रत्न 1990 में मिला था और ईयर ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से माना जाता है 14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ेस हैं, आप ये सारा चाहो तो एक बार को रीड कर जाओ या पॉज करके एक बार को रिकॉर्ड कर लो, आप नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है सब। नेक्स्ट चलते हैं INS तारकश। ठीक है, अब क्या है कि एक स्टेल्थ फ्रिजेट
INS तारकश है ना, ये क्या है? लॉन्ग रेंज ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और अभी प्रेजेंटली मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो कंडक्ट हो रही है वो इसी के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर हो रही है? रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। ये वन लाइनर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इस INS तारकश के बारे में देख लेते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म है और वेपन सेंसर्स फिट हैं इसमें। इनेबल्स हर एड्रेस थ्रेट्स इन ऑल डायमेंशंस, तो मतलब 360 एरर डिटेक्शन फैसिलिटी, रडार टाइप जैसे होता है ना, उस टाइप की डिटेक्शन फैसिलिटी इसमें प्रोवाइडेड है। तो किसी भी डायमेंशन में किसी भी तरह का थ्रेट अगर डिटेक्ट होता है तो ये इजीली इन्फॉर्म कर सकता है कि जो है कहीं से थ्रेट है अगर, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। IAF पार्टिसिपेट्स इन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम इन इजिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक लाइन में ये समझ के रखिए। एक तो ये Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके अलावा F-16, रफाल, MiG-29, ये सब भी एयरक्राफ्ट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इजिप्ट में एक लीडरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ये SU-30 MKI एयरक्राफ्ट जो है इसका पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बार बार करंट्स में रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, प्रोपल्शन सिस्टम, एयर फ्रेम, पावर सप्लाई, ये सब चीज़ें इंडिजिनस है, अपने यहाँ की बनी हुई हैं। बाकी DRDO और रशिया का जॉइंट वेंचर रहा है ब्रह्मोस बनाने में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और मॉस्को, इन दोनों रिवर्स के नाम पर ब्रह्मोस बना है, और डिटेल्स इसके बारे में दी हुई हैं, एक बार को रीड कर दीजिए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। DRDO और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, इसका डिज़ाइन बनाया था इन दोनों ने मिलकर, और डेवलप किया है हॉल ने। ठीक है, इसने रशिया के MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की कोशिश की है तेजस ने। ठीक है, सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, और दो स्क्वाड्रन तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट, सॉरी तेजस MK-1 एयरक्राफ्ट के दो स्क्वाड्रन ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास अवेलेबल है। फिर रफाल एयरक्राफ्ट है, इसको भी एक बार आपको आप देख लीजिए, बहुत करंट न्यूज़ में रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं इसमें। Sukhoi-30 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, ये बेसिकली क्या है कि रशिया और इंडियन एयरफोर्स के अलावा अल्जीरिया, चाइना, वियतनाम, वेनेजुएला और मलेशिया, ये कंट्रीज जो हैं इस पर्टिकुलर फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में और आगे आप देख सकते हैं, जो पर्टिकुलर डिटेल इनके बारे में तेजस, रफाल और Sukhoi-30। तो देखो 3000 किलोमीटर की रेंज है इसकी, मैक्सिमम स्पीड Mach 2 है ना। मार्क जो रहता है वो स्पीड ऑफ साउंड के कंपैरिजन रहता है, तो अगर Mach 1 है किसी का तो स्पीड ऑफ साउंड के पैरेलल है, Mach 2 है तो मतलब डबल ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड पीछे रह जाएगी और ये उसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाएगा, उस टाइप से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हरियाली महोत्सव के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, पर बहुत कुछ खास मुझे इस आर्टिकल में पर्टिकुलर देखने को नहीं मिला, तो बस इतना जानिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हरियाली महोत्सव सेलिब्रेट किया है। 75 नगर वंश में प्लांटेशन एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म हुई। ठीक है, इसके थ्रू कार्बन एमिशन वगैरह कम होगा, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी कंट्री की, तो इस तरह के हरियाली महोत्सव जैसे इवेंट्स मनाने जरूरी हो जाते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा रहे। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो वीडियो आर्टिकल स्किप कर सकते हो। परिमाण, द जियो पोर्टल फॉर NCR मेड पब्लिक। अब परिमाण बेसिकली क्या है? एक रिमोट सेंसिंग या GIS टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है एक जियो पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, तो इसका काम बेसिकली यही है कि NCR में मैपिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह इजीली कंडक्ट की जा सकें, तो उसके लिए परिमाण योजना चालू की गई है। ठीक है,
किन किन सेक्टर्स में इस पोर्टल को यूज़ में लिया जाएगा, लाइन और पॉइंट एंड पॉलीगन फीचर्स, लैंड यूज, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज, वाटर पावर, हेल्थ है, पावर, हेल्थ, शेल्टर, टूरिज्म, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सभी सेक्टर्स में इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का यूजेज होगा। टेली पर से रिलेटेड न्यूज़ है बस, है ना। बाकी टीबी एलिमिनेशन के लिए पंचायती राज और सेंट्रल टीबी डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन तीनों ने एक MOU साइन किया है। कुछ खास मुझे यहाँ पे भी देखने को नहीं मिला। टीबी हारेगा देश जीतेगा एक स्लोगन है, पंचायती राज में टीबी के इरेडिकेशन को लेके ये स्लोगन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। SDG गोल 2 पर फोकस करता है ये, तो एक बार को वो भी देख लीजिएगा। मेन ऑब्जेक्टिव इस MOU का है टू फॉरगो कन्वर्जेंस एट पॉलिसी प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मतलब बात क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो जो है एक्चुअल में जो है इफेक्टिव रहे, और टीबी फ्री इंडिया अपने टारगेटेड टाइम 2030 से पहले ही अचीव किया जा सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये सब चीज़ें एक्चुअल में वन लाइनर रहती हैं, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। अब जैसे ये करंट अफेयर्स था, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये सब चीज़ें रहता है ना कि आपको नॉलेज में होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। और जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाले जो फैक्टर है, तो जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल था। आप चाहो तो कल को मेंस वगैरह में अगर जेंडर इक्वालिटी या एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसको कोट कर सकते हो, ठीक है। कि यहाँ पर क्या हुआ था, सुप्रीम सॉरी दिल्ली कोर्ट ने जो मेल फीमेल है इन दोनों को ही इक्वल पनिशमेंट दिया है, इक्वल हर्जाना पे करने बोला है, और कहा है कि जस्ट बिकॉज आप फीमेल हो आप पनिशमेंट से बच नहीं सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरला असेंबली ने अनानिमसली रेजोल्यूशन पास किया ESZ पे। ESZ क्या है, बेसिकली आपका जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं वो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के लगभग 10 किलोमीटर के आसपास की एरिया कवर करते हैं। ये सेंसिटिव जोन माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। क्या क्या रहता है वो सब चीज़ें हम कवर करते हैं, पर बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, केरला के कई लोकेशंस को इको सेंसिटिव जोन के अंडर में डालने की कोशिश की जा रही है। वायनाड के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी इस पर्टिकुलर इको सेंसिटिव जोन में डालने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अगेंस्ट केरला असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई थी जो कि पूर्ण बहुमत से पास हुआ बेसिकली, ठीक है। तो एक तरफ आप ये देख सकते हो, जहाँ जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं उसके केरला के जो वेटलैंड्स वगैरह हैं और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इनसे रिलेटेड आपको मिल रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको आगे दिखाता हूँ इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत डेटा निकाल के रखा था। आप चाहो तो एक बार को इसको रीड कर जाओ, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है, इजीली याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चैलेंजेस वगैरह क्या है, ये सब वही चीज़ हो जाती है ना कि आपको मेंस में पोर्ट्रे करने का काम आ जाता है। म्यांमार मर्डर्स पुट स्पॉटलाइट ऑन प्लाइट ऑफ मणिपुर तमिल्स। अब यहाँ पर मैंने जिस इस आर्टिकल को यूज़ किया था, इसलिए यूज़ किया था क्योंकि यहाँ पर उनका यूजेज हो रहा है, ट्राइब्स का, है ना। अब कभी अगर मोरे में तमिल्स के बारे में बात हो तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि तमिल्स तो उधर है और मोरे मणिपुर में है, इस तरह से आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और यहाँ पर इसी चीज़ से रिलेटेड बातचीत हुई है कि म्यांमार में मणिपुरी तमिल्स जो हैं उनका मर्डर हो रहा है। और बस थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखना चाहते हो ये देख सकते हो आप कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर बहुत सारे हजारों की संख्या में तमिल्स जो है उधर मोरे साइड सेटल हुए थे, ठीक है। और 1992 का जो जब कुकी ट्राइब ने जो है बहुत ज़बरदस्त इनके ऊपर जो कहते हैं ना सप्रेशन वाली कोशिश की थी, तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं है,
एक बार को आप रीडिंग मार जाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बैठ के रटोगे, है ना। आगे चलते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। ड्रैगन फ्रूट काफ़ी टाइम से है, गुजरात का स्टेट फ्रूट भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, कमलम बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। अभी जो है टारगेट इसका 3,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर का 5 साल के अंदर अचीव करने का टारगेट ये रखा गया है। क्यों है? अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और बहुत कुछ इसमें मिलता है, तो इस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो ना, वो हो जाता ही है। तो फ्रूट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, लो इन कैलोरी एंड हाई न्यूट्रिशन लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ गेट्स नॉट फॉर स्कूल प्रोजेक्ट फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग मिली हुई है 300 मिलियंस की जो फंडिंग मिली हुई है उसको यूज़ कर सकता है छत्तीसगढ़ स्कूल प्रोजेक्ट्स, या मतलब एजुकेशन लेवल उसको बूस्ट करने के लिए, NEP को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बूस्ट करने के लिए। तो हाँ, बोरिस जॉनसन जी की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा आपको सभी को पता होगा जापान के जो PM थे शिंजो आबे, उनकी भी डेथ, उनका भी मर्डर हो चुका है, असैसिनेशन हुआ है। तो बहुत ही दुखद न्यूज़ रही है और काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। काफ़ी अच्छी तरह से डील किया ब्रेग्जिट को बोरिस जॉनसन ने अपने टाइम पर, तो और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी इन्होंने इंडिया से मेंटेन करके रखे थे। आगे चलते हैं, एम्प्लॉयज़ पर फ्री फ्रॉम GST, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, आप चाहो तो फिर भी एक बार को रीडिंग मार सकते हो एक सिंगल। बाकी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ यूज़फुल हो सकता है, ऐसा कुछ था नहीं। झारखंड स्टेट स्पोर्ट प्रमोशन सोसाइटी ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनरिचिंग लाइव्स। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, हीलिंग फ्रॉम फैमिलीज विद इन विद ए मंथली इनकम ऑफ 3,000 लेस द टू शो द स्किल। हुआ क्या है, सबीना कुमारी और नारायण महतो ने अभी रिसेंट में, एक बार को रीड करते हैं हम लोग को समझ में आएगा। हेलिंग फ्रॉम फैमिलीज विद इन विद अ मंथली इनकम ऑफ 3,000 लेस द टू शो द स्किल एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एडवर्सिटी हैज बिकम द कंट्रीज टॉप जूनियर साइकिलिस्ट विद मल्टीपल नेशनल मेडल्स। तो इन दोनों ने नेशनल मेडल्स पाए हैं बहुत सारे और टॉप जूनियर साइकिलिस्ट में कंट्री के रजिस्टर हो चुके हैं। सबीना गोल्ड पाई है उसमें और महातो ने 5 गोल्ड मेडल्स इन वेरियस नेशनल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, कथकली गुरु गोपीनाथ स्टाइल। गुरु गोपीनाथ और कथकली इन दोनों को रट लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है। सिनोनिमस मतलब कि अब कोई अगर फॉलो कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्टाइल को तो अपने आप में अडेप्ट कर लेते ना, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट था इसमें। बाकी आई डोंट थिंक मैंने जो पढ़ा था उसमें कहीं पर भी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट मुझे दिखा रहा होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट करता हूँ मैं, वीडियो काफ़ी लंबा खिंच गया है। जो टॉपिक्स अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, लास्ट के 2 टॉपिक्स जैसे ही बचे हुए हैं, इनको मैं सेपरेट वीडियोस में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।